दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इस तरह के ब्रश ड्राइंग इफेक्ट वाली वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चलती थी, इस तरह की वीडियो आप बनाना चाहते हो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं इसे एलाइट मोशन एप्लीकेशन की मदद से बना रहा हूँ। यहाँ 16 नौकर रेशो सेलेक्ट कीजिए, रेजुलेशन 10 से रख लीजिए, फ्रेम रेट 60 या 30 अप्रैक्स है, बैकग्राउंड ब्लैक है, क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो प्लस करके मैं टाइप कीजिए, इमेज एंड वीडियो में जाइएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे इस टाइप का ब्रश जो इस टाइप का होता है, तो इसे आपको ले लेना है। लेने के बाद फ्रेंड्स, मूव ट्रांसफॉर्म पे चले जाइएगा, जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और इसे थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा, ताकि आपको इफेक्ट देने में इसमें आसानी होगी। अब इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, जहाँ पर भी रखना चाहते हो तो इस तरह से कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर कर दिया, थोड़ा ऊपर कर लिया, ताकि तीन ठोर लेयर्स यहाँ पर मैं देकर आपको दिखाऊँगा तो अच्छे से हो जाए इसलिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये 2 सेकेंड का है, तो इसे थोड़ा मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट जो है 1 सेकंड पे ही यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेकंड पे रखने के बाद सिंपली इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो ये वाला एड आ रहा है, तो इस पर आपको टैप कर दें, कट जाएगा। अब आपको इसमें इफेक्ट देना है, तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लीजिए, इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा, एड इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ पे आपको सिंपली मीटर मास्क की में चले जाना है, और यहाँ पे वाइप वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कीजिएगा। देन यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा। फिर स्टैंडर्ड सेटिंग करने के बाद इसके स्टार्टिंग में आ जाइएगा, और यहाँ पे इंड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन प्लस कीजिएगा, प्लस करने के बाद फ्रेंड्स इसे इस साइड में आपको बढ़ाना है, ठीक है। इस साइड में जब आप इसे बढ़ाएंगे, सॉरी इस साइड में मैंने गलत बढ़ा दिया, दूसरी साइड में इसे लेकर आ जाना है, इस साइड में जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा, जब तक ये पूरा मीट ना जाए वहाँ तक आपको ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से मीट चुका है। अब ये आपको क्या करना है, नीचे आना है, आप फेदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और फ्रेंड्स इसे थोड़ा सा इस तरह से करना है कि यहाँ पे फेदर वाला इफेक्ट जो है थोड़ा सा आपको दिखने लगे, इस तरह से यहाँ पर हल्का सा दिखने लगे। तो इसके बाद एंड वाले पर फिर से क्लिक कीजिए। अब इसके लास्ट में नहीं, इसके बीचों बीच आ जाइए, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे 30 सेकंड पे मैं आ गया, यहाँ पे प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद फ्रेंड्स इसे फिर से आपको इस साइड में पूरी तरह से कर देना है कि ड्रो वाला जो इफेक्ट है पूरी तरह से यहाँ पे अच्छे से आ जाए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। 100 पे आप लेकर आ जाइए तो ये पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाता है। तो इतना पे इसे रहने दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इसी का एक थो डुप्लीकेट कर लेना, तो इसे सेलेक्ट कीजिए, ये डबल लेयर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, और फिर यहीं पे सिंपली क्लिक कीजिएगा और इसे पेस्ट लेयर कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स इसे नीचे की तरफ इस तरह से लेकर आ जाना है। जब ये नीचे की तरफ कर लीजिए तो मूव ट्रांसफॉर्म में जाइएगा, रोटेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, और फ्रेंड्स इसे इस तरह से यहाँ पर आपको रोटेट कर देना है, ठीक है, दूसरी साइड में यहाँ पर इस तरह से हल्का सा इसे इतना पर रखते हैं ताकि ये अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे। अभी जब ये प्ले होगा तो कुछ इस तरह से आ रहा है, तो आपको देख लेना है कि ये कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो इसे यहाँ पे करते हैं, और ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा है देख सकते हैं, यहाँ पे अब ये ख़त्म होगा, तो अभी से ये स्टार्ट होना चाहिए, तो इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। तो अब देख सकते हैं ये दोनों साथ में आ रहा है। अब आपको इसे एडजस्ट करना, तो इसे सेलेक्ट कर लीजिए, मोबाइल ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर जाइएगा और इसे थोड़ा सा ऊपर कीजिए, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए, और रोटेट वाले पर जाकर इसे थोड़ा सा इस तरह से और रोटेट कीजिएगा। अब इसके बाद आगे कर लीजिए ताकि यहाँ पर ये इस तरह से अच्छे से दिखाई दे। अब इसे अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए, आप कहाँ पे रखना चाहते हैं, तो चलिए मैं इतना पे रहने देता हूँ, ठीक है। और भी इससे आप अच्छे तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, जिसकी वजह से आप यहाँ पे इस तरह से कर लीजिएगा। अभी नीचे में कट रहा है, इसका आप टेंशन नहीं लीजिए। एक तो और यहाँ पर इफेक्ट देना है, तो जब यहाँ पर ये यह वाला आ जाता है यहाँ पर, तो आपको सिंपली फिर से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, देने यहाँ पर पेस्ट लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो एक तो आपको और मिल जाएगा यहाँ पर ये वाला, देख सकते हैं यहाँ पर आ गया। अब आपको फिर से यहाँ मूव ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में जाना है, रोटेट वाले ऑप्शन पर टाइप करना है, और इसे हल्का से इस तरह से रोटेट करना है, और फ्रेंड्स इसे भी यहां पे ऊपर की तरफ आपको यहां पे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अभी जब आप इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से ये आएगा और इस तरह से आएगा, मतलब आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इस शेप में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं किया था, जैसे इस शेप पे सेलेक्ट करते हैं और फ्रेंड्स इसे इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे पतला होता है, इस तरह से करेंगे तो मोटा होगा, तो इस तरह से आप एडजस्ट करके इसे और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला यहाँ तक आया, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो आपको क्या करना है, यहाँ तक जितना टाइम का आप बनाना चाहते हैं, यहाँ पर तो अभी 1:48 ही है, मतलब 1:48 ही है ये, तो अगर इसे आप 3 मिनट 4 मिनट का बनाना चाहते हैं, या फिर सॉरी 3 मिनट बोल दिया मैंने, 3 सेकंड का मैंने जो वीडियो में यूज़ किया था वो 3 सेकंड का था, तो उस तरह का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली आपको करना है, किसी एक पे क्लिक करना है, ड्यूरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ये वाली ऑप्शन पे टाइप कीजिएगा और इसे आगे की तरफ इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा कि कितना सेकेंड आप रखना चाहते हो उतना कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा और इसे हम बढ़ाते हैं और देख लेते हैं कहाँ तक आया, तो ये रहा 3 सेकंड, तो 3 सेकंड परफेक्टली मैं रख लूँगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 सेकंड पर आ गया। अब इस पर एक बार क्लिक कीजिएगा और फिर से इस पर क्लिक कीजिएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा, इस पर कट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले पे सेलेक्ट कीजिएगा और फ्रेंड्स इस वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए तो आगे तक आया। इसी के तरह दूसरे वाले, तीसरे वाले पे सेलेक्ट कीजिए और इसे भी यहाँ तक कर लीजिएगा। तो अभी आप देखेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया, यहाँ पे आप देखते हैं कुछ इस तरह से आया। तो अभी आपको इसे एडजस्ट करना है, तो फर्स्ट वाला जब यहाँ पर आया तो सेकेंड वाला आना चाहिए, तो देख लीजिएगा कहाँ से आ रहा है।
तो फर्स्ट पूरा लास्ट तक जाएगा, उसके बाद सेकेंड वाला आएगा, तो ये वाले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लीजिए, तो अभी भी ये देख सकते हैं। तो इसे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, ठीक है। सेकेंड वाला पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद थर्ड वाला करेंगे। तो इसे थोड़ा और आगे करना होगा, ये वाला अभी कंप्लीट होगा, तो इसे क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे और इसे यहाँ तक कर देंगे परफेक्टली यहाँ पे। तो अब देखेंगे कि ये जब यहाँ पे पहुँचेगा तो उसके बाद ये वाला ड्रॉ होगा, सेकेंड वाला जो है इसके बाद वाला ये अब ड्रॉ होगा, ठीक है। इस तरह से तो ये वाला पूरा हो जाता है यहाँ पे, यहाँ पे ये वाला पूरा हो गया। तो अब इसे भी उठाना है और इसे कर देना है यहाँ से, ठीक है, परफेक्टली। अभी एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि अच्छे से हुआ या नहीं। तो ये फर्स्ट गया, सेकेंड वाला हुआ और इसके बाद थर्ड वाला यहाँ पे ये हुआ, और सॉरी ये मैंने हाइड कर दिया था तो ये नहीं हुआ। तो अब इसे मैंने अनहाइड कर दिया और यहाँ से ये वाला जब यहाँ पे पहुँचेगा तो ये वाला भी आ जाएगा। अब इसे फिर से आपको 3 सेकंड पे आ जाना है, ठीक है। 3 सेकंड पर आने का इसे सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पे क्लिक कर देना तो कट जाएगा। इसके बाद इसके बाद वाले पर भी क्लिक करेंगे और इसे भी यहाँ से कट कर देंगे। तो एक बार फिर से क्लिक करके देख लेते कि अच्छे से ये काम कर रहा है या नहीं। तो ये काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला देख सकते हैं, यहाँ पर ये थोड़ा आगे आने पे ये कट जाता है, तो इसे हम आगे तक कर लेंगे और परफेक्टली ये तीनों साथ में रहेगा। अब यहाँ पे शैडो टाइप का जो देख सकते थे, इसे अगर आप रहने देना चाहते हैं तो रहने दे सकते हैं, या फिर इसे रिमूव करना चाहते हैं तो इसलिए कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए आपको करना है, थोड़ा आगे आ जाते हैं, इस वाले को सिलेक्ट करते हैं ताकि इस पर आपको ब्लैक वाला दिख रहा है। इफेक्ट में जाइएगा, देन यहाँ पे एड इफेक्ट पर क्लिक कीजिए, ऑफेंस यहाँ पर फिर से आपको मेटर मास्क की में चले जाना है, ऑफेंस यहाँ पर आपको लूमा की दिखेगा इसे सिलेक्ट कीजिए, देन यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा, कुछ इस तरह से आएगा। लोमा की पे सेलेक्ट कीजिएगा और फिर से यहाँ पे लो का जो ऑप्शन आ रहा है तो इसे आपको आगे की तरफ बढ़ाना है। और यहाँ पे ये ब्लैक वाला जो शैडो देख सकते हैं तो ये पूरी तरह से हट जाएगा, वहाँ तक आपको कर लेना है, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कितना पे आपको रखना है। तो इतना पे ये काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट हो चुका है। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये 3 डॉट पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से इसे कॉपी इफेक्ट कर लेना है। फर्स्ट वाला कॉपी होगा, सेकंड वाले पर जाइएगा, इफेक्ट में जाइएगा, 3 डॉट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर दीजिएगा। इसी तरह से फर्स्ट वाले में भी जाना है और यहाँ पर इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है और इसे पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इस तीनों में आपको इफेक्ट मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे क्लिक करके देख लेना कि आप इसे कैसे रखना चाहते हो। तो यहाँ पे देख सकते काफ़ी अच्छी तरह से ड्रॉ हुआ, फिर ये इसके बाद वाला, फिर इसके बाद वाला, और 3 सेकंड के आप परफेक्टली बन गया। अब इसे क्या करना है, आपको सिंपली इसे एक्सपर्ट कर लेना, एक्सपर्ट करने ऊपर जो ये वाला ऑप्शन देख सकते इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने बाद एक्सपर्ट पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो दोस्तों अगर ये आपके लिए यूजफुल रही तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।